हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। 15 डेज क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की ये जो सीरीज है, आज हम इसके सेकंड लेक्चर पर आ चुके हैं, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा 5 ईयर प्लान की। देखिए, क्यों प्लानिंग की नीड पड़ी इंडियन इकोनॉमी में, कौन कौन सी कमीशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई प्लानिंग करने के लिए, जिन्होंने प्लानिंग करने का जिम्मा अपने कंधे पे लिया, नीति आयोग, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे रेगुलर वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो जाइए और देख लीजिए पूरी की पूरी सीरीज को, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स को। जी हाँ, सिर्फ 15 डेज में मैंने कवर करके दिखाया है। अब आपका डेडिकेशन चाहिए, क्या आप पूरी पढ़ सकते हैं? 15 दिन में मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करनी है तो एक बार जाकर मेरी उस सीरीज को पूरा फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 5 ईयर प्लान इन इंडिया, गोल एंड अचीवमेंट। 5 ईयर प्लान जो बच्चा ये इंडिया में लागू किए गए, इनके क्या गोल रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स है। देखिए, सबसे पहली चीज इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो रहेगा बच्चे, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, टाइप ऑफ इकोनॉमिक, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट टर्म गोल, फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग एंड सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ प्लान्स और फेलियर एज वेल। देखिए बच्चा, ये चैप्टर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जस्ट अभी पिछले लेक्चर में हमने इंडिपेंडेंस की शाम तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी इसको डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं कि जब से प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आने लगे, या भारत सरकार ने आजादी के बाद ऐसी क्या क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जिससे हमें इकोनॉमी में कुछ चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चा व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, तो पहले तो आप एक चीज समझो, प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमी का भी अलग रखते हैं, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, पर अभी मैं आपसे आर्थिक प्लानिंग नहीं, मैं सिर्फ प्लानिंग पूछ रहा हूं। देखिए, प्लानिंग एक लिंक होता है जो आज आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजंस, कोई थिंकिंग, कोई माइंडसेट मेड आउट करते हैं, या आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए जो आज आप सोच रहे हैं वो आपकी प्लानिंग है। यानी कि हम कह सकते हैं प्लानिंग इज द लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो हम बात कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था की, आजादी के बाद गवर्नमेंट को कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को आगे लेके चलना था, क्या क्या डिसीजंस गवर्नमेंट को लेने थे, उन सब मुद्दों पर इस टॉपिक में बात करी जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिक प्लानिंग की, प्लानिंग रेफर्स टू द सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सेट अ सेट ऑफ टारगेट एंड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसी दैट विल बी अचीव्ड थ्रू अचीव दोज टारगेट विद द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी कोई प्लान को या किसी पॉलिसी को या किसी प्रोसीजर को बनाए और इंप्लीमेंट करे और उसके कोई टारगेट सेट करे और कहे कि इतने वर्ष में या इतने टाइम पीरियड में हम इन टारगेट को अचीव कर लेंगे, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखिए, यहां पर एक टर्म जो आया था प्लानिंग कमीशन, बच्चा प्लानिंग कमीशन की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्स इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटी। मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज में अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो जिससे नेशन की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। क्लियर? अगर प्लानिंग कमीशन की, इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन। जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इस आइडिया को, एक सोच को हकीकत में उतारा गया कब? जब प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ 1950 में। और याद रखिए, प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। जी हाँ, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालेगा जब आप प्लानिंग कमीशन का जिक्र करेंगे इस नाम के साथ। आगे बढ़ते हैं बच्चा, और एक चीज याद रखिए यहां पर, 2015 में जनवरी में, जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रीनेम कर दिया गया और नाम रखा गया नीति आयोग। क्या बच्चा? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिए क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कि हमने प्लानिंग इकोनॉमिक को समझ लिया या इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात करें तो उसको हमने कॉन्सेप्ट को एक समझ लिया, लेकिन हमें जरूरत क्यों पड़ती है इकोनॉमिक प्लानिंग की? व्हाई डू वी नीड प्लानिंग इन इंडिया? हमें प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, इसका सिंपल सा सिद्धांत यह है, जब हम लोग 1947 में अंग्रेजों से
आज़ादी लिए उसके बाद अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट थी, पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अंग्रेजों ने नहीं करी थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के नाम पे बहुत दो चार इन मीन साढ़े तीन इंडस्ट्री थी जो कुछ ग्रोथ दिखा रही थी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी पूरा का पूरा रेनफॉल वगैरह पे डिपेंडेंट था तो वो भी अच्छा नहीं कर रहा था, और टर्शियरी सेक्टर में भी हमारा कोई खास योगदान नहीं था। इन शॉर्ट बाबू भाई, हम एक बात कहें कि इकोनॉमी की पुंगी बजी पड़ी थी, मतलब बद से बदतर कंडीशन हो चुकी थी। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हो सकती थी कि वो हो सकता था अच्छा, क्योंकि इतनी बेकार हालात थी कि इससे बुरा और क्या ही होगा वाली कंडीशन आ चुकी थी। कंडीशन से सर्वाइव करके आगे बढ़ना था और अपने उज्जवल भविष्य के लिए वर्क करना था, अपने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए वर्क करना था, तो सबसे बड़ी चीज इसीलिए हमें प्लानिंग कमीशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें अब बैकवर्डनेस को छोड़ के, पॉवर्टी को खत्म करके, सारी इनएफिशिएंसी को हटा के एक बार वर्ल्ड में सुपर पावर बन के दिखाना था। तभी ये सोच, मानसिकता, विचारधारा हमारे उस समय के लीडर्स के दिमाग में रही और फिर उन्होंने प्लानिंग कमीशन की स्थापना की। जरा देखिए क्या कह रहा है, इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिशर्स एज अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकॉनमी, वाज बैकवर्ड एज अ लेवल ऑफ आउटपुट एंड द प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। बेटा आउटपुट और प्रोडक्टिविटी बच्चे बहुत ज्यादा लो थी, साथ ही साथ इट वॉज स्टैग्नेंट एज जीडीपी ग्रोथ वॉज एक्सट्रीमली लो, साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ भी बहुत लो थी, डेवलपमेंट ग्रोथ पाथ कुछ नहीं था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो अब हमें एक क्रमबद्ध तरीके से, एक स्टेप बाय स्टेप वे में प्लान करके अपने आप को संभालना था और फिर एक ग्रोथ की राह पे चलना था, इसीलिए हमें प्लानिंग कमीशन की आवश्यकता पड़ी। तो कह रहा है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू द सिस्टम प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जब हम प्लान करें सिर्फ मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई को एक डायरेक्शन देने के लिए, सो दैट द सिस्टम डज नॉट वे फॉरवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम से आगे पीछे की कंडीशन ना आए और हम एक न्यूट्रल सिचुएशन पे बने रहें, इसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्लानिंग। इन सच प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। किस इस प्रोसेस में स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्ट प्लान या डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ग्रोथ प्रोसेस में नहीं होता है। सरकार एक सेकेंडरी रोल लगती है और प्राइमरी रोल दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को, जो मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई की बात पे चलते हैं। इट इज मोर लाइकली डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर, आ गई बात जो मैं अभी आपको बता रहा था। डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो इकोनॉमी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है बच्चे, वो काम करती है डायरेक्टिव प्लानिंग पे। किस पे चलती है डायरेक्टिव प्लानिंग? ऑन द अदर हैंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द सिस्टम which government itself participate in the process of development। आ गई बात, हम आजादी के बाद comprehensive planning पर चल रहे थे। किस पे चल रहे थे बच्चा? comprehensive planning पर। क्यों? क्योंकि government ने सारा दारोमदार अपने कंधों पे रखा, development process की सारी गतिविधियां government ने perform करी, जहां पर जितनी investment चाहिए थी, in fact pin से लेके plane तक और bread से लेके butter तक हर चीज में सरकार ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया, ताकि हमारी इकोनॉमी में कोई भी एस्पेक्ट ऐसा ना रह जाए जो सोशल वेलफेयर से दरकिनार रह जाए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, और बैकवर्ड इकोनॉमी में सिर्फ प्रॉफिट मोटिव की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा तहस नहस आपको देखने को मिलने वाली है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज परस्यूड फॉर सोशल इकोनॉमिक, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कौन फॉलो करता है? सोशल इकोनॉमिक, जहां सोशल वेलफेयर को पहली प्राथमिकता मिले। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, जैसे हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहां पर सरकार ने प्राइवेट और पब्लिक मिक्सअप किया, यानी कि सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को एक साथ लागू किया कि प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम करो और सोशल वेलफेयर को भी इग्नोर मत होने दो। कोई भी सेक्टर ऐसा ना रहे जो दरकिनार कर दिया जाए सोशल वेलफेयर से, या वो शिकार बन जाए पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का। आगे देखिए, वाइल इंडिविजुअल गेन आर अलाउड टू मैक्सिमाइज एज अंडर कैपिटलिज्म, सोशल गेन्स आर फोस्टर्ड थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम कर रहे थे, जहां पर एक पर्सनल इंटरेस्ट के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी अलाउ था, वहीं एक कलेक्टिव सोशल वेलफेयर के लिए सरकार भी काम कर रही थी। अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और प्राइवेट सेक्टर। ऑन द अदर हैंड करें अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी की, अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज अ सोशल कलेक्टिव पब्लिक ओनरशिप ऑफ
मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि जितने भी आर्थिक डिसीजन होंगे बच्चा उनको कौन लेगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट, और इसमें सोशल वेलफेयर और कलेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सभी डिसीजन बनाए जाते हैं। आगे देखिए, यानी कि यहाँ बात हो रही है सबका साथ और सबका विकास। बच्चे मैं आपको बताऊं कि इसके जो सेलेंट फीचर हैं या मैरिड डिमेरिड है इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालते हैं ना ही इतना ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनता है। मैं फिर बता दूं, वॉच टाइम की मेरी प्रियोरिटी नहीं है, मुझे आपको कम समय में बेस्ट से बेस्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करानी है, और जो चैप्टर में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं उन टॉपिक को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आपसे पूछेगा सिर्फ ये कि या तो बताओ सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्टिक क्या होती है, मिक्स क्या होती है। इसमें आप रीड कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट एज सून एज पॉसिबल क्लियर करूंगा। कहाँ? ट्रिकी इकोनॉमिक्स एट द रेट gmail.com पर मेल करना मत भूलिएगा। जी हाँ, या आप हमसे जुड़ जाइए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल ट्रिकी इकोनॉमिक्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। जब मैं बात करता हूँ मिक्स इकोनॉमी की, अब मिक्स इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप, मतलब सोशल वेलफेयर भी होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात भी होगी। प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा और पब्लिक सेक्टर भी हाथ में हाथ मिलाकर काम करेगा, यानी कि आप सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी डिसीजन लीजिए और गवर्नमेंट भी पब्लिक वेलफेयर के लिए डिसीजन ले रही है। गवर्नमेंट लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट चेकिंग द बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का बैलेंस खराब नहीं होने देना है, ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। लॉन्ग पीरियड गोल और ऑब्जेक्टिव, बच्चा किसी भी चीज को करने का एक मकसद होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, सोचो अगर आप हर साल पढ़ते जाते और एग्जाम ना होते तो आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज क्या होती है? एग्जाम बनाने के पीछे एक मकसद रहा कि भाई जो साल भर आपने पढ़ा उससे आपने क्या सीखा, कितनी चीजें आपके माइंड में हैं, उन बेसिस पे एक एग्जाम कंडक्ट करा जाए ताकि एक रिकअप लिया जाए कि क्या डिलीवर हुआ। वैसे ही यहाँ पर जितनी भी प्लानिंग चल रही थी उसके पीछे के कुछ गोल थे, और फिर ये चेक भी होता है कि गोल अचीव हुए या नहीं, जिसे हम पढ़ते हैं कंट्रोलिंग। अगर BST आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा पहले प्लानिंग होता है और आखिरी में मैनेजमेंट के फंक्शन में कंट्रोलिंग की बात ही होती है। हाँ, तो पहली चीज क्या कह रहा है बच्चा? GDP ग्रोथ। अच्छा, जाते BST से याद आया, आपकी BST की सीरीज भी रेडी हो चुकी है। जैसे ही इंडियन इकोनॉमी की सीरीज कंप्लीट होगी जस्ट 15 डेज में, फिर BST की सीरीज भी आपको मिल जाएगी। देखिए, GDP ग्रोथ, इंक्रीज इन द GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंप्लाइज टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। सबसे पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बच्चा GDP ग्रोथ। देखिए, GDP ग्रोथ सिर्फ एक फैक्टर पर वर्क नहीं करता। अगर GDP बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, जब लोगों की अर्निंग बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा रेवेन्यू होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अल्टीमेटली इस साइकिल से GDP कॉन्स्टेंटली ग्रो करता चला जाएगा, है ना। हाँ, आगे देखो बच्चा, सेकेंड पॉइंट कह रहा है प्लानिंग से हम फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को अचीव कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कदाचित नहीं है। याद रखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी कंडीशन होती है जो लोग काम करना चाहें और काम करने के काबिल हैं उनको एक फेयर वेज रेट पे वर्क मिल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ऑल पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विल टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। आगे बढ़िए, याद रखना फुल एम्प्लॉयमेंट में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती ही होती है। हमारा थर्ड पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ बेनिफिट ऑफ ग्रोथ अकर्स टू ओनली अ हैंडफुल पीपल इन दिस इकोनॉमी। देखिए, अगर हम इकोनॉमी बेनिफिट की बात करें या अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, और वो ग्रोथ सिर्फ ऐसी हो जिसमें कुछ ही लोगों का फायदा हो बाकी सब दरकिनार रहें, तो क्या ऐसी ग्रोथ का बच्चा कुछ फायदा होगा? जैसे आज हमारे देश में एक गल्फ क्रिएट हो चुका है, अमीर और अमीर होता जा रहा है पर गरीब वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो क्या ऐसे में सबको बेनिफिट मिल पा रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के? नहीं। तो प्लानिंग से हम ये चाहते हैं कि ग्राउंड रूट लेवल पर सबको जितने ज्यादा हो सके एक्चुअल में जो नीडी हैंडफुल हैं, जो नीडफुल हैंड्स हैं, उनको एक मदद मिल सके और सोसाइटी में सबका साथ सबका विकास हो सके। आगे देखिए, चाह रहे हैं बच्चे ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पज। ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई पर्पज नहीं जिसमें अमीर अमीर होता जा रहा हो लेकिन गरीब बेचारा रोज अपनी जिंदगी की एक वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा हो। ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ कतई बेकार है।
बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्विटेबल. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंप्लॉयज टू द सोशल इक्वालिटी. देखिए जब इनकम में समानता आएगी तो इससे एक सोशल इक्वालिटी अपने आप में आ जाएगी. एक रईस और गरीब, अमीर और गरीब का भेदभाव का जो अंतर है ये कम होगा. दूसरा, लोग अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप्ड होगा तो उनके माइंडसेट्स में भी चेंज आएगा, क्योंकि हेल्दी बॉडी कंटेन अ वेल्दी माइंड. जब आपकी बॉडी ही अगर सही नहीं काम कर रही, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आपका दिमाग अपने आप थका रहेगा, आप उसे ग्रो नहीं कर पाएंगे. और अगर आपको स्किल डेवलप करने हैं तो आपके माइंड का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, जो एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से ही वो आपको हो सकता है. इसीलिए सरकार इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस कर रही थी. एक चीज बताने चाह रहा हूं यहां पर कि इक्वल और इक्विटेबल में अंतर क्या है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मींस एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट सेम शेयर इन द कंट्री, मतलब सब एक समान है. देखो इक्वालिटी और इक्वल, देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहना चाह रहा है कि सब लोग इकोनॉमी में सेम लेवल ऑफ इनकम अर्न कर रहे हैं. तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अदर एंड सिचुएशन व्हेन डिफरेंस इन इनकम अलाउड बट वुड बी सर्टेन लेवल. इनकम में डिफरेंस पॉसिबल है. अब आप कहो कि मेरी इनकम और अंबानी की इनकम सेम हो जाए, ये नहीं पॉसिबल है. लेकिन मेरी इनकम अंबानी जितनी ना हो, पर मैं इतना तो कमा लूं कि अपनी बेसिक नीड और लाइफ के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकूं. पॉइंट क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू द अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. लोग नई नई टेक्नोलॉजी को अपने यूज में लाएं, अपने काम को आसान करें और एक अच्छा आउटपुट और फ्रूटफुल रिजल्ट नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके वो गैदर कर सके. अनोटेड अर्लियर आउटपुट कैन बी इंक्रीज ईदर बाय इंक्रीजिंग द पोल ऑफ रिसोर्स और बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. या तो लोग बढ़ाओ या नई टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, इन्हीं दो बेसिस पर आउटपुट बढ़ाया जा सकता था. और सरकार का मोटिव था कि लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इजीली अडेप्ट कर सके. बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है सेल्फ सफिशिएंसी. इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन, विदाउट द हेल्प ऑफ अदर. सरकार चाहती थी कि इकोनॉमिक प्लानिंग से ऐसा गोल बन सके जिससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, मतलब कम से कम फूड ग्रेन तो हमारे देश में इतना उग जाए कि अपने देशवासियों की भूख मिटाने के लिए हमें किसी विदेश की कंट्री से मांगना ना पड़े. आगे देखिए बच्चा, फिर हमसे बात करेगा शॉर्ट पीरियड. व्हेन द फर्स्ट प्लान वॉज इनिशिएटेड द कंट्री वॉज बैटलिंग सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन. जब पहला 5-year प्लान लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1951 में, उस समय भारत में खाने के अनाज की एक भारी कमी थी. और हमारा पहला ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में यही था कि हम पहले 5 ईयर में फोकस रहें हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिससे हमारे आउटपुट में वृद्धि और हम फूड ग्रेन के मामले में एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि अपने देशवासियों की भूख खुद मिटा सकें. आगे देखिए क्या कह रहा है. एंथुसियास्टिक अचीवमेंट ऑफ फर्स्ट प्लान प्रमोटेड बाय द प्लानर टू शिफ्ट द फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. फिर जो पहला 5-year प्लान का जो भी एंथुसियाज्म आया था, एक ऊर्जा आई थी कि हाँ इतने सक्सेसफुली हमने इस प्लान को इंप्लीमेंट कर लिया, अब उसे शिफ्ट किया जा सके एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पर. ये हमारा सेकंड प्लान का इंपॉर्टेंट मोटिव था शॉर्ट टर्म. थर्ड क्या कह रहा है बच्चा? थर्ड प्लान एम्फसाइज्ड द नीड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, व्हाइल द फोर्थ प्लान फोर्स ऑन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. थर्ड प्लान में फिर हम फूड ग्रेन की सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे थे. और चौथा जो प्लान हमने लॉन्च किया उसमें हमने बात करी बच्चा प्राइस स्टेबिलिटी की. इकोनॉमी में जितना ज्यादा हो सकता है प्राइस स्टेबल रहे, फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो और रिसोर्सेज की वेस्टेज बहुत कम की जा सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो सके. बच्चा आगे देखिए क्या कह रहा है. एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ एंड द सिक्स प्लान. और जो इकोनॉमी में 5 और 6 नंबर का प्लान लागू किया गया, इसमें सबसे पहली प्राथमिकता हमारी दी गई पॉवर्टी हटाओ अभियान को. ये नहीं कि गरीबों को हटा दो मार डालो, नहीं, गरीब हैं उन्हें इस लेवल पर अर्निंग प्रोवाइड करवाओ, इस तरीके से उनको डेवलप करो कि वो गरीब से आगे बढ़ें और बीपीएल लाइन के ऊपर आ सके. बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन. बच्चा अगर गरीबी नहीं होगा तो गरीबी कहां से रहेगी? और गरीब आदमी क्यों होता है? जब उसे प्रॉपर रोजगार ना मिले, प्रॉपर वर्क ना मिले या एक फेयर वेज रेट ना मिले. तो इसीलिए सरकार का ये एक मोटिव था. आगे हम बात करें अगर 8th प्लान की, रिइंफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. फिर 8th प्लान जो लागू किया गया वो इस मोटिव से लागू किया गया कि इकोनॉमी में जितने लोग कार्य करने के काबिल हैं या काम कर सकते हैं, उन सबको ही रोजगार मिल सके. आपसे
10th plan was stressed with the need of better quality of life and poverty reduction, job creation, protection, environment, etc. यानी कि ये आपको शॉर्ट टर्म में जो प्लान्स लागू किए गए थे उनके बारे में जानकारी दी गई। आप याद रखिए, आपसे लॉन्ग टर्म गोल जरूर पूछ सकता है, शॉर्ट टर्म तो इतने ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में आपको जानकारी जरूर मांग सकता है एग्जाम में। प्लानिंग का एक चार्ट दिया है कि पहला 5 ईयर प्लान कब आया और कब से कब तक इस प्रोसेस में चलता चला गया। अगर आपको ये ईजिली याद हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद होता तो मेरे पास इसको याद करने की एक टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको तब दूंगा जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ प्लीज़ सर हमको 5 ईयर प्लान्स याद करने की एक टेक्निक दे दीजिए। देखिए, इसके लिए 1 मिनट की एक शॉर्ट रिवीजन जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप टोटल प्लान्स को एक साथ मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं बच्चा, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 तक लॉन्च की गई थी उनके क्या सिग्निफिकेंट फीचर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहली चीज, प्लानिंग इन इंडिया हैज विटनेस्ड अ मार्क्ड शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर 1991। अकॉर्डिंगली फीचर्स ऑफ इकॉनमी पॉलिसी वर ऑफन स्टडीड सेपरेटली प्री 1991 एंड पोस्ट 1991। बच्चा यहां पर आपको एक पॉइंट याद दिला दूं कि 1991 से पहले हमारी इकॉनमी चलती थी LQP पॉलिसी पर, लाइसेंसिंग कोटा परमिट। L का मतलब लाइसेंसिंग, Q का मतलब कोटा रिस्ट्रिक्शन। सरकार ने बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि आप इतनी क्वांटिटी से ज्यादा बना नहीं सकते, इतनी क्वांटिटी से ज्यादा बेच नहीं सकते। साथ ही साथ P का मतलब परमिट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए सरकार से बहुत परमिशन लेनी पड़ती थी और ये प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं होता था जितना आज है। पर 1991 के बाद LPG पॉलिसी पर जब हम शिफ्ट हुए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो L का मतलब हुआ लिबरलाइजेशन, जहां पर लाइसेंसिंग सिस्टम हट गया, कोटा रिस्ट्रिक्शंस हट गए और जितने भी एरिया पहले SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर रखे थे अब उन्हें डी रिजर्व कर दिया एज पर द मार्केट फोर्सेस। जितनी जिसकी डिमांड है उसके लिए आप उस एरिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं। और बच्चा Q का मतलब था वहां पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, यहां पर P का मतलब था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जो सरकार की सिक यूनिट थी, जो ऐसी यूनिट थी जिसमें सरकार का बहुत ज़्यादा रोल था और प्राइवेट सेक्टर का कम रोल था, सरकार ने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कम किया 24 to 26 एंड द मेजॉरिटी ऑफ स्टेक वॉज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट सेक्टर। एज वी नो दैट प्राइवेट सेक्टर बच्चा पैसा प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता था और कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कर सकता था, इसीलिए सरकार ने 100% सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं छोड़ा। जितनी भी ओनरशिप थी उसका 1/4 अपने पास रखा, 25 to 26% गवर्नमेंट यूजुअली अपने पास रखती थी, बाकी स्टेक प्राइवेट सेक्टर को दे देती थी। अगर हम अब यहां पर बात करें 1951 टू 1991, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। बच्चा हमारी इकॉनमी ज्यादातर निर्भर थी पब्लिक सेक्टर पर, जैसे मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया गवर्नमेंट पिन से लेके प्लेन तक और बटर से लेके ब्रेड तक हर चीज में डील कर रही थी, तो ऐसे में सरकार का रिवेन्यू कम हो रहा था और बहुत सारी ऐसी सिक यूनिट थी जिसमें सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ रहा था। देखिएगा आगे, इकोनॉमिक पॉलिसी पीरियड टू 1991 इंडिकेट हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, दस इट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956 एज मेन एज मैनी एज 17 इंडस्ट्री वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर अगेंस्ट 12 इंडस्ट्री वॉज मार्क्ड एज द प्राइवेट सेक्टर। पहले 17 इंडस्ट्री पब्लिक के लिए और सिर्फ 12 इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी। इट वॉज रियलाइज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल पैटर्न ऑफ द सोसाइटी कुड बी अचीव, ये सोच के कि इससे इकोनॉमी में एक सोशल पैटर्न अचीव हो सकेगा। आगे क्या कह रहा है, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948। ये याद रखिएगा IDR, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1948, न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर वुड नॉट बी एस्टेब्लिश विदाउट द लाइसेंस। आ गई बात, कोई भी नई कंपनी बिना लाइसेंस के एस्टेब्लिश नहीं हो सकती और उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगेन वो एक क्रिटिकल प्रोसेस था। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 प्लेस्ड सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। और फिर ये जो मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो पास किया गया, इससे भी बहुत सारी इम्पोजिशंस और रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट सेक्टर की कंपनी पर लगा दी। इट डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर वॉज इंश्योर दैट देयर वॉज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन प्राइवेट हैंड। और ये जो रेगुलेटेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सरकार का इसके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमी की कमान ना दी जाए, हमारा सारा फोर्स सारी पावर अपने हाथ में रखनी चाहिए। देखिए, क्योंकि यहां पर सरकार पहले से टेंशनाइज थी कि भाई एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट कंपनी के रूप में भारत में आई, उसने धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लिया, कहीं फिर से कोई प्राइवेट कंपनीज की पावर
इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि इकॉनमी और देश फिर से किसी के गुलाम में चला जाए। इसीलिए सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में रखना ज़्यादा उचित समझा। फिर प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बच्चा जो SSI थी उनको प्रमोट किया गया और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उन पर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन लगाई गई। क्लियर है? और सरकार इन इंडस्ट्री को प्रियोरिटी बेसिस पर डेवलप कर रही थी। कौन सी? आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या इलेक्ट्रिक गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जितनी थी उन पर सरकार ज्यादा फोकस दे रही थी। फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर द आइडेंटिफाइड एज द की डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई इंटरेस्ट रेट वर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग एंड वाइल इन्वेस्टमेंट इंड्यूस थ्रू सब्सिडी एंड कैपिटल ग्रांट, और जो इन्वेस्ट कर रहे थे उनको सब्सिडी और कैपिटल ग्रांट मिल रही थी। क्लियर है बच्चा? आगे क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। अब देखिए, सरकार सोचती थी कि जो हमारी SSI है ना, नन्ना मुन्ना बेबी है इंडस्ट्रीज का, इनको हम बचा के रखेंगे फॉरेन कॉम्पिटिशन से। हमने बचाने के चक्कर में उन्हें इस कदर बर्बाद कर दिया कि वो बाहर चल के अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। जब विदेशी कंट्रीज में कंपनियां बहुत आगे चली गई थी, तब हम अपनी इकोनॉमी में जो SSI थी उनको बउआ बउआ खिला के मना रहे थे। आगे देखो, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फिर साथ ही साथ सरकार फोकस कर रही थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उन्हें इंपोर्ट ना करके खुद मैन्युफैक्चर किया जाए और या उनका कोई बेटर सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, FDI, FII पर भैया लगाम लगा दी गई, रिस्ट्रिक्शन कर दी कि FDI और FII भारत में इतनी आसानी से नहीं आएगा, जिसके लिए एक एक्ट चलता था FIRA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। लोन्स फ्रॉम एब्रॉड वर accorded high priority than FDI. FDI को बुलाने से अच्छा सरकार ने सोचा कि हम विदेशों से लोन लेना प्रेफर करेंगे, लेकिन FDI और FII को देश में नहीं आने देंगे। और फिर इसको कहा गया सेंट्रलाइज प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग की पूरी दारोमदार स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में थी, तो ऐसी चीजों में सरकार ही हर एक डिसीजन ले रही थी, जिसे कहा जाता है सेंट्रलाइज प्लानिंग। अब आती है बच्चा बात सक्सेस ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग कमीशन की क्या क्या सक्सेस रहे। पहला, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। हाँ, आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन ने जितनी भी पॉलिसीज और प्लान लॉन्च किए उनसे नेशनल इनकम में हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखी। ड्यूरिंग द पीरियड टू द प्लानिंग एंड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ जस्ट 0.5% NM, इंडियन इकॉनमी वॉज देयर फॉर अ स्टेगनेंट इकॉनमी। जब हम बात करें प्लानिंग और नेशनल इनकम की, उस समय 0.5% की पर एनम ग्रोथ दिख रही थी, जिसके कारण बहुत इकोनॉमी स्टेगनेंट बनी हुई थी। आगे देखिए क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वॉज 4.6%, और पहले ही प्लान में नेशनल इनकम बढ़ के 0.5 से 4.6 पहुंची। बच्चा ये डेटा देखो, आपको दिख रहा होगा 4.6, 4.1, 3.33 गिरती, फिर फिफ्थ प्लान से बढ़ती गई, फिर गिरी और फिर बढ़ती चली गई। इस तरीके से प्लानिंग कमीशन ने एक ऑब्जेक्टिव तो अचीव किया, जिससे नेशनल इनकम बढ़ी, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी। फिर बच्चा सेकेंड, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। देखो, एक कॉमन सेंस की बात है, जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि जब कंट्री की इनकम बढ़ रही है तो पर पर्सन इंडिविजुअल इनकम भी बढ़ने वाली है। यानी कि ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव था जिसे हमारी प्लानिंग कमीशन ने अचीव किया। फिर अगर हम बात करें थर्ड, राइजिंग द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बच्चा सरकार ने प्लानिंग के थ्रू ये हैबिट भी डेवलप करी कि लोग अब सेव करके इन्वेस्ट करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। देखिए जरा, शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतनी थी और अब कितनी बढ़ चुकी है। लोग पैसे को काम पे लगाना सीख रहे हैं और लगाना चाहते हैं, जिससे एक अर्निंग बढ़ सके, एक अदर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सके। फिर क्या कह रहा है बच्चा, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। पहले 5 ईयर्स प्लान से ही सरकार ने ये बात क्लियर कर दी थी कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना प्राथमिक मोटिव था। क्यों? क्योंकि हमें फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना था, और इसके लिए हमने नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया और लोगों ने उसे अडॉप्ट भी किया। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म में जब बात करेंगे तो याद रखिए, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड द स्टेट टिलर सॉइल, यानी कि जमींदारी सिस्टम की बात कर रहा है जिसे हटा दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट, सरकार एक रेंट कंट्रोल एक्ट लेके आई जिसमें प्राथमिकता दी गई कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन जमींदार अपनी मन मर्जी से कर रहे थे अब वो नहीं चलेगा। ये सब लैंड रिफॉर्म के अंदर की बात है बच्चा।
और रेंट फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम 1/3 ऑफ द क्रॉप आप रेंट के रूप में ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर बचा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। सरकार ने कल्टीवेटेड लैंड पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक इंडिविजुअल के नाम पर 62 बीघा से ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड नहीं हो सकता, और अगर किसी का पाया गया तो जितना एक्स्ट्रा होगा उसे सरकार ले लेगी और उन लोगों को जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। आगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। और जिनके पास बच्चा स्कैटर्ड लैंड साइज था, मतलब 3 बीघा यहाँ, 4 बीघा, वो जो टूटी टूटी जमीन थी, सरकार ने क्या कहा कि हम आपको एक साथ इकट्ठी जमीन दे देंगे और बदले में आपसे थोड़ी सी जमीन ले लेंगे। जैसे आपकी टोटल गिट टुकड़ों में 8 बीघा जमीन है, सरकार ने कहा हम आपको 6 बीघा एक साथ दे देंगे और 2 बीघा आपसे ले लेंगे, और वो 2 बीघा किसी गरीब को बहुत नॉमिनल रेट पर प्रोवाइड करी जाएगी। तो फिर हम बात करते हैं फिफ्थ प्लान की, तो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी और इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर एटसेट्रा, इन सभी को भी डेवलप किया जा रहा था। आगे देखिएगा, फिर हम बात करें सिक्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चा वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉफिट कमाने में मदद करे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जिसके लिए आपको पे आउट करना पड़े, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के ऊपर भी वर्क किया जा रहा था और इसमें भी डेवलपमेंट अचीव हुए थे। क्या कह रहा है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मींस ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी, पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटी आर की एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द प्लानिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, और प्लानिंग के समय इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। आगे देखिए, फिर हमसे बात कर रहा है बच्चा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम बात करें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप याद रखिए 2 बात होंगी, हेल्थ एंड एजुकेशन। और प्लानिंग से हेल्थ पर और एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, और आज भी आप देखते हैं कि स्कूलों में मिड डे मील अभियान चलाया जाता है ताकि एटलीस्ट एक बच्चे को एक वक्त का पौष्टिक खाना मिल सके। आजकल आंगनवाड़ी के थ्रू जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं गांव देहात में, उनको एक अच्छा फर्स्ट एड मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। धीरे धीरे अब ये चीज़ें और डेवलप्ड हो रही हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ठीक है। फिर बच्चा बात करिए एम्प्लॉयमेंट, जो सीरियस एफर्ट मेड किए सरकार ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में। इन डिफरेंट 5-year प्लान गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इट्स सिग्निफिकेंट टू बी नोटेड दैट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की, तो आप याद रखिए मनरेगा, नरेगा, ग्रामीण स्वर्ण जयंती योजना, ग्रामीण विकास योजना, स्किल इंडिया योजना या भारत कौशल योजना के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लागू किए जा रहे हैं जिसपे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी मेन फोकस रखा जा रहा है। अगली बात करें बेटा इंटरनेशनल ट्रेड की, तो ड्यूरिंग प्लान द वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। और फिर प्लानिंग कमीशन से जितने भी प्लान हमने लॉन्च किए उससे फॉरेन ट्रेड में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली। आगे देखिए बच्चा फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब बात आती है कि कहां पर प्लानिंग फेल हुई, तो सबसे पहले प्लानिंग फेल हुई एब्जेक्ट पॉवर्टी। बच्चा इतनी गरीबी थी कि ग्राउंड लेवल पर हकीकत में उन सबको मदद नहीं पहुंचा सकते थे, जिसके कारण बहुत बड़ा एरिया इकोनॉमी का या पॉपुलेशन का बैकवर्ड ही रह गया। क्या कह रहा है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लान बट दिस वर स्टैंड इन इंडिया 29.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहां पर ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है जहां पर लोग अपनी बेसिक नीड लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान को भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था फेलियर का। दूसरा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बच्चा महंगाई की दर, कहते ना हाय दैया महंगाई मार गई, ये जान खाए गई, हाय दैया महंगाई मार गई, इनका मतलब मनी सप्लाई ज्यादा होने से मार्केट में महंगाई आई, महंगाई से बेसिक चीजें भी लोगों को महंगी होती दिखती गई, जिससे एक और ड्रॉबैक आया जहां पर प्लानिंग फेल होती चली गई। उसके बाद क्या कह रहा बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है या बढ़ रही थी कि लोगों को रोजगार देना पॉसिबल ही नहीं था और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस उत्पन्न होती चली गई। क्या कह रहा है, वाइल मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन ग्रांटेड, चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चा देखिए क्या कह रहा है, वाइल मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन जनरेटेड, चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज नॉट सब्सिडाइज्ड। इतने ज्यादा एफर्ट किए सरकार ने, इसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होकर नहीं दे रही थी। और बच्चा इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण था, वो थी पॉपुलेशन। बत्ती गॉन इंडिया ऑन, एड देखा नहीं देखा आइडिया का जब आया था, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज नहीं कर पा रहे थे। बच्चा नेक्स्ट अगर हम बात करें इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो जो अंग्रेज दे गए थे रेलवे, रोडवेज, वही थी, उसके अलावा
इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं था बच्चा। एक समय ऐसा था जहां गांव में हफ्ते के हिसाब से लाइट आती थी कि शाम को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट आएगी, एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात, और बहुत सी जगह तो चार चार दिन लाइट गायब रहती थी। जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था जो प्लानिंग को मजबूती से इंट्रोड्यूस करा सके, इम्प्लीमेंट कर सके। फिर आती है बच्चा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इकॉनमी हैज़ सोशल इक्वालिटी वॉज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग। हमारी इकॉनमी में प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था सोशल जस्टिस। आयरनिकली दिस हैज़ बीन प्रिंसिपल फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। और आयरनी देखिए कि यही एक सबसे बड़ा कारण बना प्लानिंग के फेलियर का। इकॉनमी एंड सोशल इनइक्वालिटी हैज़ कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू ऑफर रिजर्वेशन इन जॉब्स टू द इकॉनमी एंड सोशल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सरकार को रिजर्वेशन पॉलिसीज लानी पड़ी जॉब्स में जो आज भी आप देखते हैं, ताकि वो लोग जो एक पिछड़ा वर्ग है एक लेवल पे आ जाए जिससे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ। जो हमने अभी शुरुआत में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, कहीं ना कहीं सरकार खुद मजबूर हो गई एक पक्षपात वाली पॉलिसी लाने में कि जनरल इतने में जॉब मिलेगी, एससी एसटी इतने में जॉब मिल जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक ऐसा वर्ग हमारे देश में था जो बहुत पिछड़ा था और उसने बहुत कुछ फेस किया था, तो उसके लिए रिजर्वेशन जरूरी भी था। क्लियर है। द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एनफोर्समेंट हैव बीन द प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्लान बनाना तो ठीक था, लेकिन जब इनको लागू करने की बात आती थी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी ग्राउंड रूट पर चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे जिनके कारण ये पॉलिसी लॉन्च नहीं हो पाती थी। आगे क्या कह रहा है, यू टर्न फ्रॉम पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन टू द पॉलिसी मार्केट ड्राइवन ग्रोथ प्रोसेस। फिर सरकार ने 1991 में एक यू टर्न मारा, जिसकी बात हम आपसे अगले चैप्टर में करेंगे। जी हाँ, जिसमें हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में, जिसमें हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियोस एक हेल्पिंग हैंड का काम कर रहे हैं, तो जाने से पहले पूरी वीडियो देख चुके हो तो सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाना, और साथ ही साथ एक बार इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डूइंग द बेस्ट इन योर रेस्ट। थैंक यू।